भारत सरकार के निर्देश पर विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक के निकट आयुष विभाग के तरफ से आयुर्वेद जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला आयुष पदाधिकारी, जिला आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी के अलावे भारी संख्या में नवचयनित योग प्रशिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने शिरकत किया। रैली के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन शैली पाने के लिए आयुर्वेद आधारित दिनचर्या अपनाने, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने एवं नियमित योग एवं आयुर्वेद के हिसाब से जीवन शैली अपनाने को लेकर जागरूकता फैलाई गई। मौके पर जिला आयुष पदाधिकारी एवं आयुर्वेद चिकित्सक ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा भी आयुर्वेद दिवस के मौके पर भगवान धन्वंतरी के जीवन के आदर्शों को आगे बढ़ाने, योग एवं आयुर्वेद वाली प्राचीन चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने के साथ साथ आम आवाम को स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की सलाह दी गई। जिला संयुक्त औषधालय में आने वाले सभी मरीजों का चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से की जाती है। अब ओपीडी में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के प्रति लोगों की झुकाव बढ़ा है। जो आयुर्वेद की विधा आज सार्वभौमिक रूप ले रहा है, इसमें भगवान धन्वंतरी के जो प्रादुर्भाव हुआ था, आज हजारों हजार वर्ष से हम लोग भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, उनका आज जन्मोत्सव है। दो अर्थ में आज हम इसको मनाते हैं, जो धन्वंतरी जो दिवस है उनका जयंती है, जयंती के रूप में, और भारत सरकार आज इस दिवस को विश्व आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा हमें जो पूरे 1.5 माह लगभग का निर्देश आया था, उसके अनुसार हम झारखंड के साथ साथ धनबाद के प्रत्येक गाँव-गाँव में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको लोगों में पुनर्जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। और आज का यह कार्यक्रम आयुर्वेद के लिए समर्पित है, भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। योग के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के कार्य कर रहे हैं आप लोग? योग के प्रति जो कार्यक्रम के लिए हमारे प्रत्येक प्रखंड में और प्रत्येक सीएचसी स्तर पे जो योगा ट्रेनर जो तारीख 29 तारीख से लेकर के आज 10 तारीख तक 29 सितंबर से लेकर के अक्टूबर से लेकर के ये नवंबर तक आज 10 तारीख तक ये धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान का हम लोग ये अवतरण बता रहे हैं। फिर स्वास्थ्य कैसे रहा जाए, हर दिन आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, ये इस साल का नारा है। ये आठवां आयुर्वेद दिवस है जो मनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इस बार का जो स्लोगन है वो है हर दिन हर घर आयुर्वेद है। तो इसके तहत प्राचीन जो हमारी पद्धति है उससे रिलेटेड आज का प्रोग्राम है, जिसमें स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं और आगे डॉक्टर बताएंगे। मैं डॉक्टर कुमकुम, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद। एक चीज दिखता है, जब आयुष अस्पताल जाइए तो वहाँ पे तो कर्मियों की ही कमी रहती है, इतने सारे लोग कैसे? ये तो है 18 CHO जिनकी बहाली हुई है। अभी पिछले साल 3 लोगों की हुई थी और अभी 15 लोगों की हुई है इस बार 2-3 महीने पहले। तो और उसके बाद से वो काम कर रहे हैं, तो उनके संग योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन लोगों की बहाली हुई है, और सहिया जो वर्क कर रही हैं। यहाँ पर जिले में भी कितने स्वास्थ्य विभाग भी है, आपके आयुष विभाग के पदाधिकारी मौजूद हैं? हाँ, चिकित्सा पदाधिकारी सिर्फ आयुर्वेद के हैं, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक जो, और होम्योपैथ और यूनानी में कोई नहीं है।